Hello students, myself Koti Falguni. In your last video, we had completed your 15 unit reported speech up to the exercise A, right? And today we are going to start from your page number 100. Okay, now let's start. So you have given some rules of direct changing direct speech into indirect speech. So let's see what are the rules of changing direct speech into indirect speech. So first one is, if the reporting verb is in a present tense or future tense, the tense of the verb in the reported speech remains unchanged. Okay, तो क्या है कि जो अगर जो reporting verb है वो प्रेजेंट टेंस में होगी या फिर फ्यूचर टेंस में होगी, तो जो टेंस है उसका वर्ब का वो चेंज नहीं होगा रिपोर्टिंग स्पीच में, वो अनचेंज्ड रहेगा, मतलब कि वैसे का वैसा रहेगा. जैसे कि आपको एग्जांपल दिए हुए है कि डायरेक्ट स्पीच में है, राहुल सेज शिखा इज गोइंग टू स्कूल. ये है, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, राइट. शिखा इज गोइंग टू स्कूल, राइट, क्योंकि राहुल सेज, ये सेज जो है आपका वो वर्ब है, वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, राइट. तो उसको इनडायरेक्ट स्पीच में आप कन्वर्ट करोगे तो वैसे का वैसा रहेगा, राहुल सेज दैट शिखा इज गोइंग टू स्कूल. ओके, समझ में आया. अगर वो इनडायरेक्ट स्पीच में नहीं है, लाइक सेड है यहाँ पे, तो वो पास्ट टेंस में हुआ, तो वो पास्ट टेंस में होगा तब उसको हम कन्वर्ट करेंगे पास्ट टेंस में, अदरवाइज हम कन्वर्ट नहीं करेंगे उसको. पूरा का पूरा सेंटेंस हम प्रेजेंट टेंस में ही रखेंगे अनचेंज्ड करके. ओके, समझ में आ गया. ओनली बीच में क्या लगाएंगे, डेट लगाएंगे. नेक्स्ट आपको दूसरा एग्जाम्पल दिया हुआ है, द मदर विल से द वेजिटेबल हैव बिकम कॉस्टली. ओके, तो इसमें देखो ये जो सेंटेंस है वो सिंपल फ्यूचर टेंस में है, जो बोल रही है मदर वो सिंपल फ्यूचर टेंस में बोल रही है. सो इसमें क्या होगा कि आपका जो ये टेंस है वो चेंज नहीं होगा, सिर्फ बीच में डेट लगेगा, बाकी का वैसा रहेगा. जैसे कि इनडायरेक्ट करोगे तो द मदर विल से दैट द वेजिटेबल हैव बिकम कॉस्टली, तो अनचेंज हुआ, मतलब कि इसमें कोई चेंज नहीं हुआ. ओके, तो फर्स्ट रूल आपका डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करने के लिए, फर्स्ट रूल आपका ये है. ओके, आगे हमने थोड़े बहुत रूल्स देखे थे आपके लास्ट लेक्चर में. ओके, अभी दूसरा रूल्स दिया हुआ है, और ये भी देखा था हमने, मैंने तुम्हें आपको ये प्रिपेयर करने को कहा था. जैसे कि आपको नाउ को अगर नाउ इनडायरेक्ट सॉरी डायरेक्ट स्पीच में दिया और उसे इनडायरेक्ट स्पीच में आप कन्वर्ट कर रहे हो, तो नाउ का धैन करोगे, दिस का डैट करोगे, दिस का दोस करोगे, हियर का धैर करोगे, धस का सो करोगे, एगो का बिफोर करोगे, टुडे का डैट डे करोगे, यस्टरडे का द डे बिफोर या प्रीवियस डे करोगे, देन टुमारो का द नेक्स्ट डे, लास्ट नाइट का द नाइट बिफोर प्रीवियस नाइट, लास्ट वीक का द वीक, मंथ ईयर बिफोर और मंथ ईयर का द प्रीवियस वीक मंथ या फिर ईयर. ओके, ये आपने लास्ट टाइम देखा था. ओके, नाउ आपका दूसरा रूल्स है डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करने के लिए, इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट टेंस. ओके, तो रिपोर्टिंग वर्ब जो है, वर्ब आती है ना, वो पास्ट टेंस में है, the tense in the reported speech is changed into the corresponding past tense. okay, तो उसको corresponding past tense में उसे convert करना है. जैसे कि is, am, are है, वो आपके present tense में होता है, तो उसका आपको past tense में convert करना है, तो आप क्या करोगे, was, were हो जाएगा is, am, are का. okay, अब जब direct speech में is, am, are दिया हुआ है, उसको उस सेंटेंस को आप कन्वर्ट कर रहे हो इनडायरेक्ट स्पीच में, तो आप क्या करोगे, वॉज या वेयर करोगे, एम इज आर की जगह पे. वॉज वेयर है तो उसका हैड बीन करोगे, हैड बीन है तो उसका हैड बीन ही रखोगे. नेक्स्ट है हैव हैज है तो उसका हैड करोगे, हैड का हैड होगा, डू का डीड होगा, डीड का हैड डन होगा, हैड डन का हैड डन ही रहेगा. नेक्स्ट है विल और शैल का क्या होगा, वुड और शुड होगा, और विल है तो वुड होगा, शेल है तो शुड होगा, मे और कैन का माइट और कुड होगा, मे है तो माइट होगा और कैन है तो कुड होगा. ओके, और मस्ट का हैड टू होगा, एंड
वुड है तो, शुड है तो, माइट है तो, वुड है तो, या फिर ऑट टू है, या फिर यूज टू है, तो उसका ऐसे का ऐसा रहेगा, रिमेन्स एज इट इज रहेगा। ओके, वो वैसे का वैसा रहेगा। वुड मीन्स, वुड आप कब यूज करते हो? पॉसिबिलिटीज बताने के लिए। शुड का भी कुछ करना है मतलब चाहिए ऐसा हो तो, वैसे भी माइट का वही, माइट शुड वही होता है। माइट में, माइट आप जब लिखते हो तो वो मतलब आपको करना ही चाहिए ऐसा सेंस निकल के आता है। वुड का मतलब भी पॉसिबिलिटी में भी यूज़ करते हो, और हाँ पॉसिबिलिटी में यूज़ करते हो। ऑट टू का तो आप कोई, ऑट टू मीन्स आप कुछ आपको कुछ और भी करना है तो उसके लिए ऑट टू यूज़ करते हो। जैसे कि यू हैव, यू ऑट टू फाइट फॉर योर कंट्री, तो आपको अपने देश के लिए लड़ना चाहिए। ओके, तो आप ऑट टू यूज़ करते हो। फिर यूज़ टू, ओके, यूज टू आप कब यूज करते हो? तो कुछ पास्ट के लिए, पास्ट की बात आप अभी बताते हो तो उसके लिए यूज टू का यूज करते हो, राइट? ओके, तो इसका इसमें चेंज आएगा। ओके, ये रूल्स है, उसके एग्जांपल दिए हुए हैं जैसे कि चेंज करके, तो वो हम देखते हैं, लेट्स सी। ओके, तो फर्स्ट एग्जांपल है आपका, द नर्स सेड आई हैव बीन वर्किंग फॉर 10 आवर्स कंटिन्यूअसली। ओके, तो उस, ये आपको इन डायरेक्ट स्पीच में दिया हुआ है, उसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करोगे तो द नर्स सेड दैट, आई का क्या होगा, शी होगा, है ना, हमने देखा था कि प्रनाउन, नाउन का प्रनाउंस में चेंज होगा, तो मतलब कि नर्स की बात हो रही है, नर्स अपनी बात कर रही है, तो नर्स के लिए क्या यूज़ करेंगे हम, शी। हैव बीन का आपने देखा कि हैव बीन का क्या होगा, हैव, सॉरी, हैव बीन, हैड बीन होगा, हैव बीन का है, सॉरी, हैव बीन तो बीन का वैसे ही रहेगा, हैव का हैड होगा। आपने देखा हैव हैज का क्या होता है, हैड, तो आई हैव का शी हैड बीन वर्किंग फॉर 10 आवर्स कंटिन्यूअसली। ओके, समझ में आ गया, क्या करना है, द नर्स वैसे का वैसा रहेगा, सेड का आपको टोल्ड करना है, इसमें सेड है पर मैं बोल रही हूँ कि आपको टोल्ड करना है, सो टोल्ड करना है, देन बीच में आप कंजक्शन लगाओगे डेट सब में, उतना तो करना ही है। उसके बाद जो आपको जिस सेंटेंस का चेंज करना है उसमें जो नाउन है वो किसके लिए यूज़ किया गया है, प्रोनाउन है वो किसके लिए यूज़ किया गया है, उसके अकॉर्डिंग आपको चेंज करना है। ये आई किसके लिए, द नर्स के लिए यूज़ किया गया, राइट? सो आई नर्स के लिए आप यहाँ पे क्या लिखोगे, शी लिखोगे। शी हैव का क्या चेंज होगा, हैड, और ये रूल्स आपको करने ही पड़ेंगे तभी आपको इनडायरेक्ट स्पीच आएगी। ओके, सो 5 बार लिख के इसे आप प्रिपेयर करो। देन हैड बीन वर्किंग फॉर 10 आवर्स कंटिन्यूसली, तो नर्स कितने घंटों से काम कर रही है, 10 घंटों से कंटिन्यूसली काम कर रही है, ऐसा होगा। फिर नेक्स्ट है, अरुण सेड गीता मे विन दिस टाइम। ओके, तो अरुण बोलता है कि गीता इस बार जीत जाएगी शायद। ओके, तो जब भी आप पॉसिबिलिटीज बताते हो तो मे, कूड या फिर वुड का यूज करते हो। ओके, तो इसमें है अरुण सेड डैट, या अरुण टोल्ड डैट, गीता मे का क्या होगा, माइट होगा, चेंज करना बताया था ना, मे का माइट होगा, तो गीता माइट विन द, दिस का क्या होगा, डैट होगा, आपको पता है हमने लास्ट वीडियो में दिखा था दिस का डैट होता है, तो दैट टाइम। ओके, नेक्स्ट है चेतन, चेतना सेड वी वेर इन अ कॉन्फ्रेंस सिंस मॉर्निंग, सो चेतना टोल्ड दैट या फिर चेतना सेड दैट, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो। वी का दे होगा, दे हैड, क्योंकि चेतना सेड दैट, वी का मतलब कि वी मतलब चेतना और उसके साथी की बात करी है, इसलिए हम उसकी जगह पे हम इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करेंगे, तो वी का क्या करेंगे, दे करेंगे। सो दे हैड बीन, वेर का क्या होगा, हैड बीन होगा, है ना, तो दे हैड बीन इन अ कॉन्फ्रेंस सिंस मॉर्निंग, तो वो सुबह से क्या है, कॉन्फ्रेंस में बैठे हुए हैं, चेतना ये बोल रही है। ओके, नाउ नेक्स्ट है आपका नॉट करके दिया हुआ है उसके नेक्स्ट पेज पे, देयर इज अ वन एक्सप्रेशन, सॉरी एक्सेप्शन टू द अबव रूल। ओके, तो एक एक्सेप्शन है जो हमने अबव रूल देखे उसमें, तो देखते हैं क्या एक्सेप्शन है।
If the reported speech expresses a universal truth or habitual fact, its tense remains unchanged. ओके तो जब भी इन जो रिपोर्टेड स्पीच होगी मतलब कि डायरेक्ट स्पीच में हम कन्वर्ट कर रहे होंगे इन डायरेक्ट स्पीच में अगर वो यूनिवर्सल ट्रूथ है या फिर हैबिचुअल फैक्ट है यूनिवर्सल ट्रूथ यानी कि जैसे कि जो ट्रूथ है कि सन राइजेस इन ईस्ट ओके तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ है कि जो सन है वो ऑलवेज ईस्ट में राइज करता है तो ये चेंज नहीं हो सकता उसको हम कन्वर्ट नहीं कर सकते पास्ट टेंस में या वो ऑलवेज प्रेजेंट टेंस में ही रहेगा ओके तो ऐसे यूनिवर्सल ट्रूथ है या फिर हैबिचुअल फैक्ट है तो उसको हम कन्वर्ट नहीं कर सकते वो रिमेन्स अनचेंज्ड हो ओके तो उसमें चेंज नहीं आएगा ओके जैसे कि द टीचर आपको एग्जांपल दिया हुआ है द टीचर सेड द वही मैंने जो एग्जांपल दिया वही एग्जांपल इसमें दिया हुआ है द सन राइजेस इन द ईस्ट ओके तो टीचर ने बोला कि सन राइजेस इन द ईस्ट ईस्ट में सन राइज करता है तो द टीचर सेड दैट ओनली इसमें कन्वर्ज कंजक्शन लगेगा दैट बाकी वैसे का वैसा रहेगा द सन राइजेस इन द ईस्ट इसमें कोई चेंज नहीं आएगा फिर है माई मदर सेड टू मी ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी तो ये क्या है हैबिचुअल फैक्ट है राइट कोई हमने बहुत सारे हैबिचुअल फैक्ट हमें पता है तो ये उसमें भी कोई चेंज नहीं आएगा वो वैसे के वैसे रहेंगे माई मदर टोल्ड मी दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी राइट ओके समझ में आ गया नेक्स्ट है प्रनाउंस एंड पॉजिटिव एडजेक्टिव ऑफ द फर्स्ट एंड सेकेंड पर्सन इन अ डायरेक्ट स्पीच आर चेंज्ड टू द थर्ड पर्सन इन इनडायरेक्ट स्पीच ओके तो प्रनाउंस और पॉजिटिव एडजेक्टिव आप पढ़ चुके हो राइट प्रनाउंस क्या है पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या है आपको पता है तो जो फर्स्ट और सेकेंड पर्सन के प्रनाउंस और पॉजिटिव एडजेक्टिव होते हैं डायरेक्ट स्पीच में वो किस में हो जाते हैं चेंज थर्ड पर्सन में हो जाते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में ओके तो उसके लिए एग्जांपल देखोगे तो आपको ये अच्छे से समझ में आएगा तो जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल है दिनेश सेड टू कार्तिक आई हैव लॉस्ट माय बुक ओके तो दिनेश ने कार्तिक से बोला कि मैं अपनी बुक घुमा चुका हूँ मतलब कि मेरी बुक गुम गई है ओके तो दिनेश बोलता है दिनेश टोल कार्तिक क्या हुआ दिनेश सेड टू कार्तिक का दिनेश टोल कार्तिक दैट कार्तिक से ये बोलता है कि ही आई का क्या होगा ही ये ही किसके लिए यूज किया है दिनेश के लिए जो स्पीकर है उसके लिए यूज किया है तो आई का ही होगा हैव का हैड होगा आपको पता ही है ही हैड लॉस्ट हिज बुक ओके फिर नेक्स्ट है रमा सेड टू सुरेश द बुक इज माइन तो रमा सुरेश से कहती है कि जो बुक है वो मेरी है तो रमा टोल्ड सुरेश दैट द बुक वॉज हर्स अभी हर्स किसके लिए क्योंकि रमा बोल रही है तो रमा के लिए हर्स आएगा माइन की जगह पे ओके तो रमा ये बोल रही है कि जो बुक है वो उसकी है आप इनडायरेक्ट स्पीच में वैसे पहले ये डायरेक्ट स्पीच में क्या सेंटेंस था कि रमा बोल रही है कि बुक मेरी है और रमा टोल्ड सुरेश रमा सुरेश को ये बोल रही है इनडायरेक्ट में क्या होगा कि रमा सुरेश से ये बोल रही है कि बुक उसकी है डायरेक्ट मीन्स आप जो सेंटेंस डायरेक्टली बोलते हो और इनडायरेक्ट मीन्स इनडायरेक्टली बोलते हो उसे इनडायरेक्ट स्पीच बोलते हैं राइट नेक्स्ट है जो नेक्स्ट रूल है आपका वो है देर आर सम अदर वर्ड्स एज वेल विच कैन बी यूज और एज अ रिपोर्टिंग वर्ब इन अ प्लेस ऑफ सेड और सच एज ओके तो ऐसे भी वर्ड है बहुत सारे जिसको हम यूज करते हैं इन वर्ब प्लेस है जो सेड और सच एज की जगह पे जैसे कि हम देखते हैं अभी क्वेश्चन मार्क है तो हम उसकी जगह पे क्या पुट करेंगे सेड की जगह पे आस्क पुट करेंगे फिर एक्सक्लेमेटरी मार्क है तो आप हम एक्सप्लेन्ड यूज करेंगे ओके और फिर कोई रिक्वेस्ट वाला सेंटेंस है तो उसे वहाँ पे हम क्या रिक्वेस्टेड यूज करेंगे ओके ऐसे ही हम सेड की जगह पे कुछ ऐसे वर्ड्स भी यूज कर सकते हैं तो वो हम एग्जांपल देखते हैं जैसे कि जस्सी सेड टू मी जस्सी ने मुझे बोला आई विल रिटर्न योर मनी इन अ मंथ मैं तुम्हें एक मंथ में तुम्हारे पैसे वापस कर दूंगी सो जस्सी प्रोमिस्ड इसमें जस्सी क्या करती है प्रोमिस करती है राइट तो और अश्योर मतलब कि श्योरिटी देती है तो ये भी हुआ ना एक सेंटेंस का मीनिंग ये भी कर निकल के आता है कि जस्सी श्योरिटी देती है या प्रोमिस करती है तो हम इसके जगह पे सेड की जगह पे टोल्ड या सेड को लिखने की जगह पे हम प्रोमिस या अश्योर्ड भी लिख सकते हैं तो जस्सी प्रोमिस दी और अश्योर्ड मी दैट
किसे मी किसी किसी को बोलती है, मुझे बोलती है दैट शी वुड, विल का क्या होगा वुड, रिटर्न योर मनी का क्या होगा माय, योर का माय होगा, माय मनी इन अ मंथ। ओके, तो ये आपको लिख लेना है, आपको जहाँ जहाँ पे चेंज आते हैं ना अपनी नोटबुक में लिख लो तो आपको समझ में आएगा। जैसे कि योर का माई होगा, आई का शी, अगर गर्ल है तो शी होगा, बॉय है तो ही होगा, अगर स्पीकर की बात कर रहे हैं ना तो बॉय है तो ही होगा, गर्ल है तो शी होगा। ओके, समझ में आ गया। नेक्स्ट है, आई सेड टू माई नेबर योर सन हैज़ ब्रोकन द विंडो पैन, तो मैंने अपने नेबर से कहा कि तुम्हारे सन ने मेरी विंडो पैन तोड़ दी है। ओके, तो आई कंप्लेन, ये कंप्लेन हुई ना एक कि आपके पड़ोसी, आप अगर बैट बॉल खेल रहे हो और आपने अपने पड़ोसी की तोड़ दी विंडो पैन, तो आपके पड़ोसी क्या करेंगे, कंप्लेन करेंगे ना अपनी आपके मॉम डैड से। तो ये यही बात है, कंप्लेन की बात है। तो आई कंप्लेन टू माई नेबर, मैंने अपने नेबर से कंप्लेन की दैट हर सन हैड ब्रोकन द विंडो पैन। ओके, ओ यहाँ तक हम रखते हैं, बाकी का बी नंबर की एक्सरसाइज से हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, सो आपकी एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो स्टूडेंट्स, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।